यहाँ वन लिखा है, दिस इज ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट, और यहाँ फिर आपको मिलेंगे स्फिंक्टर ऑफ वॉयडन. स्फिंक्टर आपने पहले लिखी हुई है स्पेलिंग, ये वन है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन. स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, बॉयडन साइंटिस्ट का नेम है, याद कर सकते हैं आप. जहां बाइल डक्ट ओपन होगी वहां स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन होंगे. जब जरूरत होगी बाइल डक्ट जो सेक्रीशन ला रही है तभी ये इसको अलाउ करेंगे ओपनिंग को. फिर यहाँ हेपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला खुल रहा है, ये किसमें खुल रहा है, ड्यूडेनम में खुल रहा है. यहाँ फिर एक टाइप के स्फिंक्टर आएंगे, यहाँ मैं टू लिख रही हूँ, ये आपने डायग्राम में अलग से लिखना है, आपने वन और टू नहीं लिखना. दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस. दीज आर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये भी साइंटिस्ट का नेम है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. दे अलाउ द ओपनिंग ओनली व्हेन फूड इज प्रेजेंट इन द ड्यूडेनम. लेट अस रिकैप्चुलेट इट. दिस इज लीवर, देर आर फोर लोब ऑफ लीवर. एंटीरियर लोब इज डिवाइडेड इंटू क्वाड्रेट लोब एंड कोडेट लोब. पोस्टीरियर लोब ऑफ लीवर, दीज आर कॉल्ड हेपेटिक लोब. देन डक्ट, दिस इज द हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट. दे जॉइन टू फॉर्म कॉमन हेपेटिक डक्ट. देन गॉल ब्लैडर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर. लीवर जो भी बना रहा है, बाइल बनाता है, बाइल जूस बनाता है, गॉल ब्लैडर उसको कंसेंट्रेटेड फॉर्म में स्टोर कर लेता है. डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट. व्हेन देयर इज जॉइनिंग ऑफ हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बाइल डक्ट. दिस बाइल डक्ट ओपन इनटू पैनक्रियाटिक डक्ट. आफ्टर इट्स ओपनिंग इनटू पैनक्रियाटिक डक्ट, इट इज कॉल्ड हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट. Then swelling take place, it is called hepatopancreatic ampulla. Where the bile duct open, there is present a muscular sphincter that is called sphincter of Boyden, and here is present sphincter of Oddi. And this duct which directly open into duodenum, it is called accessory pancreatic duct. ये सब हम वही कर रहे हैं जो आपके अंदर present है, तो कोशिश करो आपको जल्दी से जल्दी याद हो. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पैनक्रियाज.